आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तीन दिनों से केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो गया है, लिहाजा अब SDRF ने यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ों से रास्ते की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए SDRF की टुकड़ियां ऊपरी पहाड़ियों में मार्ग बना रही हैं। इन यात्रियों का रेस्क्यू मंदाकिनी नदी से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है। आपको बता दें कि तीन दिन पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली और आसपास के इलाकों में बादल फटा और इससे यात्रा मार्ग कई स्थानों पर 20 से 30 मीटर तक पूरी तरह से वॉशआउट हो गया। जो यात्री लिंचोली से ऊपर थे उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, मगर जो यात्री निचले स्थानों पर फंसे थे उन्हें पैदल मार्ग से रेस्क्यू किया गया, मगर अभी भी 1500 से अधिक तीर्थयात्री यात्रा मार्ग पर जगह जगह फंसे हैं। उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए SDRF की टीम अब पहाड़ी की ओर से कोई सुरक्षित रास्ता तलाश कर रही है। रेस्क्यू टीमें अब तक 4000 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।